नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर बैंक हमारे अकाउंट को रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। देखिए, रीस्ट्रक्चर चाहे रीशेड्यूल बैंक कब करते हैं और कैसे आप रीस्ट्रक्चरिंग अपने लोन में करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे वो सिक्योर्ड लोन है, और आप अपने लोन को अभी नहीं दे पा रहे हैं, यानी आपकी जो ईएमआई है आप उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने उस ईएमआई को कैसे रीशेड्यूल करा सकते हैं, कैसे अपने लोन का रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं, इसकी क्या प्रोसीजर होती है, क्या प्रक्रिया होती है, सारी बातें डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, देरी करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप अपना ईएमआई या फिर इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं अपने लोन में, आपने किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन है, और आप अपनी ईएमआई का पेमेंट समय पर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल हो रही है। आपकी ईएमआई, आपकी सैलरी आपके सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो लोन है वो रीशेड्यूल हो जाए, जिससे कि आपकी ईएमआई कम हो जाए और आप अपनी ईएमआई को समय पे दे पाएँ। लेकिन बैंक आपकी ईएमआई को कम करने में आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप कैसे अपनी ईएमआई को रीस्ट्रक्चर या रीशेड्यूल करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपका अकाउंट एनपीए है और आपका ओवरड्यू बढ़ गया है और आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट का आप रीस्ट्रक्चर करा लें, अपने लोन का रीस्ट्रक्चर करा लें, तो कैसे आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी अकाउंट एनपीए है तो बैंक कब उसको रीस्ट्रक्चर करता है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका अकाउंट एनपीए है और आप अपने अकाउंट को रीस्ट्रक्चर या लोन को रीस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं, तो जो आपका ओवरड्यू है आप उसका पेमेंट करके आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। देखिए, एनपीए अकाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग बड़ी मुश्किल होता है। बैंक एनपीए अकाउंट को बहुत ही कम रिस्ट्रक्चर करते हैं, ना के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक से बात करनी है, बैंक के रीजनल ऑफिस में आपको एक अर्जी दाखिल करनी है, एक एप्लीकेशन देना है कि सर हमारा ये अकाउंट है, ये एनपीए हो गया है, हम चाहते हैं कि रीशेड्यूल हो जाए। तो वहाँ से आपको एक इंटीमेशन मिलेगा, वहाँ से आपको एक रिप्लाई मिलेगा कि आपका जो भी ओवरड्यू है आप उसका पेमेंट कर दीजिए। आपके ओवरड्यू के पेमेंट करने के बाद ही आपका अकाउंट रीस्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखिए, आपका अकाउंट रीस्ट्रक्चर होने के लिए जो ओवरड्यू है उसका पेमेंट होना ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने ओवरड्यू का पेमेंट करें तो उसके पहले ही बैंक के साथ लिखित में उनसे ले लें कि हम अपने अकाउंट का जो भी ओवरड्यू है उसको अगर हम पेड कर देते हैं तो हमारा अकाउंट कितने दिनों में रीशेड्यूल हो सकता है। अगर बैंक आपको लिखित में नहीं देता है और आपको केवल आश्वासन देता है कि आप अपना ओवरड्यू पेमेंट करिए, हम ऊपर अप्रूवल मांगेंगे, तो आप बैंक की बातों में मत आइएगा, क्योंकि बैंक अगर रिटेल में नहीं देता है तो वह आपके अकाउंट का रीस्ट्रक्चर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको बैंक से बात करके लिखित में लेकर के ही अपने ओवरड्यू को पेमेंट करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका रीस्ट्रक्चर कब होगा। तो रीस्ट्रक्चर होने के लिए आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर अकाउंट एनपीए है तो आपको सबसे पहले अपने ओवरड्यू का पेमेंट करना है। ओवरड्यू के पेमेंट करने से पहले आपको बैंक से लिखित में उनसे एक्सेप्टेंस यानी कि उनकी स्वीकृति लेनी है, और यह लेटर आपको रीजनल ऑफिस में देना है। ऐसा नहीं कि आप ब्रांच के मैनेजर के पास जाएं और उस ब्रांच मैनेजर ने आपको आश्वासन दे दिया कि आप अपना ओवरड्यू पेमेंट कर दीजिए, हम आपके लोन अकाउंट को रीस्ट्रक्चर कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक के मैनेजर के हाथ में ऐसा कोई पावर नहीं होता है
कि वह किसी भी अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करे, वह सीधे अपने हायर अथॉरिटी यानी कि रीजनल ऑफिस से ही वह अप्रूवल मांगता है। तो वो आपके लिए अप्रूवल क्यों मांगेगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ जा करके रीजनल ऑफिस में रीजनल मैनेजर से मिल करके फिजिकल मीटिंग करके आमने सामने बैठ करके आप अपना ओवरड्यू पेमेंट करके अपना जो भी रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं आप उसको रिस्ट्रक्चर करा लीजिएगा, आपका रिस्ट्रक्चर बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आपको लीगल नोटिस की रिप्लाई देनी है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं और घर बैठे ही आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।